नमस्ते दोस्तों, एमबी कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको 30x45 में एक घर का नक्शा बनाकर दिखाऊंगा। ये जो नक्शा होने वाला है वो 3 बेडरूम के साथ होने वाला है दोस्तों, जिसमें एक पार्किंग, एक मंदिर, एक डाइनिंग एरिया और एक हॉल और एक स्टोर रूम होने वाला है। तो ये देखिए आप, 30 फुट इसकी चौड़ाई है पीछे और 45 फीट इसकी लंबाई है दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखोगे ये इसका फ्रंट एरिया है दोस्तों। फ्रंट एरिया में जैसे ही आप इधर की साइड में देखोगे तो आपको एक पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है दोस्तों। इसका जो साइज है पार्किंग 16 फीट x 12 फीट, 16 फीट चौड़ाई में और 12 फीट लंबाई में है दोस्तों। और इसी पार्किंग स्पेस में आपको एक पानी के लिए टैंक, वाटर टैंक, और इसी में आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ इस तरीके से डिजाइन की गई हैं दोस्तों। ये देखिए आप, सीढ़ियों की जो चौड़ाई है वो 3 फीट रखी गई है दोस्तों, 3 फीट। और यहाँ पर पार्किंग में चलते आप जैसे ही आके चलते हो तो यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस रखा गया है दोस्तों, इस तरीके से। मेन एंट्रेंस का साइज 4 फीट है। और सामने की ओर आपको एक बेडरूम देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए आप, ये आपका हो गया पहला बेडरूम। इसका जो साइज है 12 फीट 8 इंच x 9 फीट 00 इंच, तो इस तरीके से ये बनाया गया है दोस्तों। और सामने की ओर इसके वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की दी गई है, जिसका साइज आप 4x4 रख सकते हो। और पार्किंग स्पेस में ही आपको एक और खिड़की इसके वेंटिलेशन के लिए दी गई है यहाँ पर। अब देखिए, इसका भी साइज आप सेम रख सकते हो। और इसके एंट्रेंस के लिए यहाँ पर एक डोर अंदर से ही दिया गया है दोस्तों, इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर इस दीवार पर आप इसकी अलमारी बनवा सकते हो। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक हॉल मिलेगा, जिसमें आप सोफा वगैरह इधर के साइड में लगा सकते हो। और यहाँ पर आप अलमारी में टीवी वॉच करने के लिए डिजाइन करवा सकते हो, इस तरीके से ये बनाया गया है दोस्तों। इसका जो साइज है 12 फीट 8 इंच x 20 फीट 8 इंच है, 20 फीट इस 8 इंच जो है लंबाई में, और चौड़ाई में 12 फीट यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है। और इधर की साइड में आपको एक डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ पर आप खाना वगैरह खाने के लिए यहाँ पर टेबल लगा सकते हो, इस तरीके से आप देखिए। और पीछे की साइड में आपको दोस्तों एक दूसरा बेडरूम मिलेगा, ये जो सेकंड बेडरूम है वो है। इसका जो साइज है दोस्तों 12 फीट 8 इंच x 13 फीट 4 इंच, इस तरीके से। और इसका जो एंट्रेंस है वो डाइनिंग एरिया से होते हुए ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसकी अलमारी डिजाइन करवा सकते हो इस दीवार पर। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा वॉशरूम एरिया यानी कि टॉयलेट टॉयलेट देखने को मिलेगा। इसका जो साइज है 4 फीट 8 इंच x 8 फीट 00 इंच, यानी कि 4 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट इसकी लंबाई। और वेंटिलेशन के लिए इसके पीछे की ओर एक छोटा सा ओपन एरिया, ओपन स्पेस दिया गया है, जिसमें ये जो तीसरा रूम है और ये सेकंड रूम है, इसका वेंटिलेशन भी दिया गया है दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ पर खिड़कियाँ दी गई हैं। तो इस तरीके से इसको बना रहे हैं हम। ये आपका तीसरा बेडरूम हो गया। इसका जो साइज है 10 फीट 8 इंच x 13 फीट 4 इंच, यानी कि चौड़ाई में ये 10 फुट 8 इंच है और लंबाई में 13 फीट 4 इंच है। तो ये देखिए आप, इसका जो एंट्रेंस है वो डाइनिंग एरिया से ही है दोस्तों। यहाँ पर इसका एंट्रेंस है, ये आपका डोर हो गया। और डाइनिंग एरिया से होते हुए आपको एक और ओपन स्पेस यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसे आप छत में भी दे सकते हो या फिर इसे
डायरेक्टली भी दे सकते हो, और इस ओपन एरिया में साइड में आपको एक मंदिर, मंदिर ये देखिए आप दोस्तों, इसका जो साइज है मंदिर का वो आप 4 फीट बाई 4 फीट रख सकते हो। इस तरीके से इसको बनाया गया है दोस्तों। और डाइनिंग एरिया से होते हुए आपको सामने की ओर एक किचन मिलेगी दोस्तों। ये देखिए किचन के लिए डोर यहाँ पर, ये आपकी किचन हो गई। ये देखिए सामने की ओर पार्किंग स्पेस में ही इसका एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर। इसका जो साइज है वो आप 4 फीट बाई 3 फीट रख सकते हो, यानी कि चौड़ाई में तो आप 4 फीट रख सकते हो और ऊंचाई में आप 3 फीट रख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा दोस्तों वो इस तरीके से बनाया जाएगा, ये देखिए आप इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो उसको। और यहाँ पर आप देखोगे किचन से होते हुए ही यहाँ पर एक स्टोर रूम बनाया गया है दोस्तों। इसका जो डोर है किचन रूम में ही दिया गया है, आप इसे सामने भी दे सकते हो इधर की साइड से, या फिर इधर की साइड से भी दे सकते हो, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। इसका जो साइज है 6 फीट × 6 फीट 4 इंच, ये देखिए आप दोस्तों मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर इसका मेन एंट्रेंस था, और ये जो स्टोरेज रूम है इसका वेंटिलेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखिए आप छोटा सा विंडो। और यहाँ पर आप सिटिंग के लिए एक बनवा सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छा लुक रहता है, कोई बाहर इंतज़ार करे तो वो भी यहाँ पर बैठ कर कर सकता है। और इधर की साइड में आप टॉयलेट को जो देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस दिया है दोस्तों वॉशिंग के लिए, आप हाथ वगैरह धोने के लिए यहाँ पर सिंक लगा सकते हो। तो आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा बनाया है, हो सकता है आपके काम आए। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसका मेन एंट्रेंस था, मेन एंट्रेंस की जो चौड़ाई है वो 16 फीट रखी गई है, और 16 फीट बाई 12 फीट का यहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है दोस्तों। ये देखिए आप पार्किंग में ही आपको वाटर के लिए टैंक और पार्किंग के लिए जगह मिल जाती है। यहीं से होते हुए फर्स्ट फ्लोर के लिए आप सीढ़ियाँ डिजाइन कर सकते हो, 3 फीट इसकी चौड़ाई रख सकते हो या फिर 3.5 फीट भी रख सकते हो। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेस सब मिलेगा ओपन, और यहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेगा, इसकी चौड़ाई आप 4 फीट रख सकते हो। और यहाँ पर आपको सामने की ओर एक पहला बेडरूम मिलेगा जिसका साइज मैंने आपको बता दिया है, और ये जो डोर है वो मिलेगा इसके एंट्रेंस के लिए, और वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो, एक पार्किंग स्पेस में और एक सामने की ओर। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक हॉल मिलेगा 12 फीट 8 इंच × 20 फीट 8 इंच का, यहाँ पर आप सोफा लगा सकते हो इस तरीके से दोस्तों, ये देखिए आप इस तरीके से। और आप इस पर यहाँ पर टेबल वगैरह रख सकते हो, यहाँ पर आप अलमारी बनवा सकते हो। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है दोस्तों। पीछे की साइड में दूसरा बेडरूम और तीसरा बेडरूम यहाँ पर, और टॉयलेट ओपन स्पेस इन दोनों वेंटिलेशन के लिए, और टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी एक ओपन स्पेस डाइनिंग एरिया के वेंटिलेशन और सब हॉल वगैरह के लिए, और किचन के लिए वेंटिलेशन के लिए सामने की ओर विंडो। साइज मैंने आपको बता दिया है, किचन का साइज है 9 फीट × 4 इंच बाई 9 फीट 8 इंच, किचन का साइज मैं भूल गया था, ये देखिए आप। और मंदिर का साइज भी मैंने आपको बता दिया 4 फीट बाई 4 फीट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरीके का नक्शा बनवाना है, उसी हिसाब से मैं एक और नक्शा आपको बनाकर बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।